दो नंबर्स को जोड़ना है ना। देखो सबसे पहले तो दो नंबर्स को जोड़ने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स हो उनको जोड़ने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। और इसमें तरीके कैसे अलग अलग होंगे, देखो यहां पर मान लो कि कोई नंबर लिखती हो, जैसे मान लो यहां पर लिख दी 67, ठीक है, और यहां पर आ गया 8, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ इज इक्वल टू का निशान लगाओ, सम का फॉर्मूला लगा लो। यहाँ सम का फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर कंटिन्यू वे में अगर है, जैसे मान लो यहाँ 67 है और 8 है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया हमने इस तरीके से, ठीक है। ये ऐड कर लिया, आंसर आ गया हमारा 75, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही मान लो यहाँ पर 67 लिखा हो और यहाँ कहीं बीच में 0 लिखा हो और यहाँ पर मान लो 9 लिखा हो और यहाँ पे मान लो 8 लिखा हो, अब मान लो हमको 67 को ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, 8 को ऐड करना, तो क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? सम फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। अब हमको मान लो ये 0 को ऐड, 67 0 और ये 9 को ऐड नहीं करना है, 8 को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? तो यहां से जाएंगे, अब फिर आगे हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्या? कैसे भी जाएंगे तो ये तो सेलेक्ट ही हो जाएगा, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा आंसर अफेक्टेड हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दिक्कत हो जाएगी तो फिर हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में इज इक्वल टू लगा करके और फिर इसको सेलेक्ट करो, फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर यहां करो 0, 0 को ऐड करना है 0 लिख लो, मान लो 9 को ऐड नहीं करना है 8 को ऐड करना है, 8 को सेलेक्ट करो, सेल रेफरेंस आ जाएगा, सेल एड्रेस आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दो, यहां 75 आ गया। चीज वही है, तरीके अलग अलग है, ठीक है। अब दूसरा तुम्हारा सवाल था कि रैंड बिटवीन वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया। दो फॉर्मूले होते हैं, एक रैंड का और दूसरा रैंड बिटवीन का, दोनों का अलग अलग काम है। देखो मान लो रैंड फॉर्मूला, अच्छा रैंडमली नंबर जनरेट करेगा ये, रैंडमली नंबर मतलब कहीं से भी उठा के कुछ भी। अब मान लो ये रैंड फॉर्मूला है तो आपको लिखना है सिर्फ रैंड इस तरीके से, ठीक है। ये रैंड लिख दिया हमने और यहां बाहर लिख दिया मैंने 2, ठीक है। तो दो के नीचे जितने दशमलव के नंबर हो सकते हैं पॉसिबल वो सारे लेके ये आ जाएगा, कैसे? ये देखो यहां एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया तो ये देखो दशमलव में ये आंसर आया है ना। अब देखो इसको यहां से ड्रैग कर सकते हैं हम, ये ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग करते हुए चलेगा, यहां तक हमने ड्रैग कर दिया, और भी ड्रैग करना चाहो राइट साइड में तो ड्रैग करती हुई चली जाओगी तो ये नंबर आता चला जाएगा। फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करो, कितना ड्रैग करेंगे, कितना भी ड्रैग करते चले जाएंगे तो ये नंबर आता चला जाएगा। तो ये रैंड का फॉर्मूला है, पॉइंट में ये आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा था कि रैंड बिटवीन का क्या होता है, तो रैंड बिटवीन से होल नंबर आएगा। जैसे मान लो ये है ना, यहां पर रखा हमने इज इक्वल टू रैंड, अच्छा ये भी है कि ये चेंज होता रहेगा, रैंडमली है और फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये चेंज भी होगा। तो ये रैंड लगा दिया हमने, रैंड बिटवीन, ठीक है। अब मान लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉटम लिखा हुआ है, बॉटम का मतलब होता है छोटा वाला नंबर, तो छोटा वाला नंबर मान लो 2 है, ठीक है, और बड़ा वाला नंबर मान लो 78 है। तो ये दोनों नंबर हमने दे दिए, सिंटैक्स में भी यही है, पहले बॉटम है फिर टॉप है, ठीक है, दोनों दे करके और इसको यहां से क्लोज करो ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करो, तो यहां एक नंबर आ चुका है, ठीक है। अब इसको यहां से ड्रैग कर लो, इस तरह से ड्रैग करोगी तो ये सब आता जाएगा, अब सब अलग अलग नंबर है, ठीक है, और इसको नीचे ड्रैग करो सब अलग अलग नंबर आता चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी यहां लिखा हुआ है 6, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि पता चलता रहे। ये देखो 6 लिखा हुआ है ना, बाहर क्लिक किया मैंने 2-3 बार 4 बार क्लिक किया, तो अब देखो ये 6 जो है 25 बन गया। ये प्रॉब्लम आती है, ये फॉर्मूला है तो इस तरह की दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए। अब देखो ऑटो सम क्या होता है, इसको पहले फिक्स कर देता हूं। इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये चेंज ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करके यहां कॉपी कर लो इसको, कॉपी करने के बाद फिर राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे जाओ और यहां पर आपको मिल जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, यहां पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगी तो ये अब चेंज नहीं होगा, कितना भी बार क्लिक करो तो ये देखो ये येलो कलर में जो हाईलाइट है वो चेंज अब नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ऑटो सम क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे मान लो ये लाइन से जितने नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना, ये लाइन से जितने नंबर लिखे हुए हैं इन सबका एडिशन हमको चाहिए, मतलब 64 में 56 को ऐड करो, फिर 52 को उसमें ऐड करो, फिर 46 को उसमें, फिर 8 को, फिर 67 को उसमें, फिर 9 को उसमें, फिर 34 को उसमें, फिर 17 को उसमें, तो इन सबको एक साथ ऐड करना है और ऐड करके रिजल्ट कहां आना चाहिए, यहां पर K2 में आना चाहिए। K2 दिख रहा है, K2 को एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये पता चलता रहे। तो ये K2 है, इसी में रिजल्ट आपका आना चाहिए, तो इन सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने यहां तक, लेकिन रिजल्ट कहां आएगा, K2 में, तो K2 को भी सेलेक्ट कर लो, कर लिया। अब यहां पर ऑटो सम दिया हुआ है, ये मिलेगा कहां, होम टैब में मिलेगा, यहां पर क्लिक कर देना, जैसे क्लिक करोगी तो यहां सम होकर इसका आ जाएगा, यानी एडिशन होकर आ जाएगा। लेकिन अब चाहिए कि सबका सम होकर आए तो इन सबको सेलेक्ट कर लो और एक एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है, ये वाला, ये देखो इसको, ये पूरे कॉलम्स को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि रिजल्ट हमारा यहीं पे आने वाला है, ठीक है।
तो ये मैंने कर दिया और यहां से इन सबको सेलेक्ट कर लो और ये एक एक्स्ट्रा कॉलम भी सेलेक्ट होना चाहिए और ऑटो सम पे क्लिक कर दो, ये सबका सम करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया।